मैं अकेला हूँ रूम में, आई एम जस्ट अंडर माई ब्लैंकेट, नोबडी इज वॉचिंग मी, और मैं वो स्टफ देख रहा हूँ विच आई एम नॉट अलाउड टू सी, और मैं वो एक्ट्स कर रहा हूँ विच आई एम नॉट, यू नो, आई एम नॉट अलाउड टू होल्ड, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक विद सम अदर जेंडर, ये वो सारा करके आई फॉरगॉट द फैक्ट कि अल्लाह सुबहाना व ताला मुझे देख रहे हैं. अब ये बंदा भूल जाता है कि मैं अल्लाह ताला की नेमतों का कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की ज़मीन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला की छत मेरे ऊपर है. अगर अल्लाह ताला चाहे इसी वक्त ये ज़मीन शक कोजर में अंदर धंस जाए, अल्लाह ताला अभी चाहे तो पत्थरों की बारिश बरसा दे, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला उसको नहीं पकड़ते. यहाँ से ही पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना व ताला इज़ गिविंग टाइम, ए मेरे बंदे लौट. द मोमेंट यू आर डूइंग दैट सिन, अगर अचानक वो पर्दे एकदम हट जाए और यू कैन सी अल्लाह सुबहाना व ताला वॉचिंग यू एंड दोज एंजल्स वॉचिंग यू, इट्स क्वाइट लाइक अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं और एकदम आपका भाई दाखिल हो जाएगा, वट वुड यू फील, या आपकी मदर या आपके फादर दाखिल हो जाएँ, तो आप कुछ दिन तक उनसे नज़र नहीं मिला सकोगे, एंड यू वुड फील वेरी बैड यार, दे जस्ट गॉट टू नो मैंने वो जो सीन किया, यू नो. सो इट मीन्स कि यू आर बेसिकली नेवर अलोन, यू आर नेवर अलोन, चाहे आप अपने रूम की कोजीनेस में अकेले मौजूद हैं अपेरेंटली, बट सबसे पहले तो आपके गिरामन कातिबीन फरिश्ते आपके साथ हैं, और दो नहीं होते, ज़्यादा भी होते हैं अक्सर, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या अज़कार करते हैं वगैरह वगैरह, और इसके अलावा अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको देख रही है. गुनाह सब करते हैं, जैसे आपने कहा ना, कुल्लू बनी आदम खताउन व खैरु खताइन तव्वाबून. अब देखें तव्वाबून, यहाँ से आपको पता चल जाता है दे कॉन्स्टेंटली रिपेंट. अगर वो बंदा स्लिप करता है वो दोबारा जो है अल्लाह की तरफ तौबा करता है. और इतनी ज़बरदस्त आयत है ना ब्रो, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलून सुअ बिजहालतिन थुम्मा यतूबून मिन करीब, कि अल्लाह ताला के ज़िम्मे है उस शख्स की तौबा को कबूल करना जो जहालत से, यानी नादानिस्ता तौर पे वो भूल कर बैठता है और गुनाह कर बैठता है, लेकिन वहाँ पे फिर ये नहीं कि वो प्रोकेस्टिनेट कर लेता है, दूसरा गुनाह कर लिया, तीसरा गुनाह कर लिया, नो, थुम्मा यतूबूना मिन करीब, और बहुत जल्दी तौबा की तरफ आ जाता है. मेरा अपना तजुर्बा ये है, और मैं अक्सर भाइयों को मशवरा भी दिया कि यू हैव टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, यू नो, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे गुनाह में हैं, प्राइवेट सेंस में अकेले कमरे में जाके करते हैं, देन यू, अगर आप एक दफ़ा, और काफ़ी लोग हैं जिस तरह आपने कहा ना, सिंसेयर होते कि वी वांट टू लीव दिस, हमसे हो नहीं रहा, मतलब वो क्या करें, तो उसमें देर मल्टीपल स्टेप्स, मतलब कुछ जो हैं, सबसे पहले कि यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द ट्रिगर्स, व्हेन डू यू कमिट दैट सिन, वेयर डू यू कमिट द सिन, एंड उस टाइम और किस चीज़ पे, यू नो, इज़ इट योर सेल फोन, इज़ इट योर लैपटॉप और आईपैड, इन योर रूम आफ्टर 10, और इज इट मल्टीपल टाइम्स अ डे, व्हाट सारे चीज़ें, एप्लीकेशन कौन से जो हमेशा ट्रिगर करती है आपको, इज इट कोई फ्रेंड्स भेजते हैं मैसेजेस, कोई ऐसी चीज़ें लिंक्स भेजते हैं, या आप खुद उनके सब्सक्रिप्शन है, तो देन देयर आर मल्टीपल वेज. एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो विड्रॉल वाला सारा प्रोसेस है ना, इट्स अ कम्प्लीट पैकेज. ऐसा नहीं हो सकता कि आई वॉन्ट टू लीव दिस पर्टिकुलर सीन एंड आई वुड ट्राई टू जस्ट लीव दिस नाउ. ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है ताकि जो आपको हेल्प करेंगी. बिल्कुल, वो जो चीज़ होती है ना कि वो आप कोक वाले ग्लास में पानी डाल रहे हैं और वो इवेंचुअली क्लियर होता है. आपने अपने अंदर इतनी अच्छाइयाँ बाकी लेके आनी है, आपके फ़राइज़ हो गए, आपका इल्म हो गया, अच्छे दोस्त हो गए, मतलब एक पैकेज है पूरा.